हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड आखिरी वीडियो में जितना भी हो सके हम लोग शेयर मार्केट के साथ साथ बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी अपडेट वाले खबरें रहती है उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो डाउ जोन्स के साथ कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, तो लगातार हम लोग को गिरावट ही देखने को यहाँ पर मिल रही है। बट येस, बहुत डीप गिरावट देखने को नहीं मिल रही, मतलब हम कह सकते हैं केवल 70 पॉइंट के आसपास ही फिलहाल तो अमेरिकन बाजार डाउन है। ठीक है, अभी रात भर देखेंगे, परफॉर्मेंस तो चलता रहेगा। नैसडेक की बात करें तो सेम कुछ वैसा ही परफॉर्मेंस है, गिरावट तो नज़र आ रही है, गैप अप देखने को मिला था एंड फिलहाल तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एकदम बॉर्डर पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हमारे ADRs की बात करें तो इन्फोसिस का ADR कैसे है, लगभग 1% डाउन है। ICICI बैंक 0.65% डाउन नज़र आ रहा है। HDFC बैंक की बात करें तो 0.24 प्लस। देन विप्रो ADR की बात करें तो 2-3% की तेज़ी है, 2.5% भी आप बोल सकते हो। आज के दिन हमारे बाज़ार में भी अच्छा भागा था, उसको हम लोगों ने पहले वीडियो में यहाँ पे कवर किया था। एंड डॉक्टर रेडीज लैब की बात करें तो 0.38% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आज के दिन भी दोस्तों देखा गया तो 6 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। जो पहला वीडियो था वो ज़रा अर्ली अपलोड यहाँ पे किया था, लगभग शायद से 4:30 बजे के आसपास। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहो तो उसको भी कवर कर सकते हो। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के बारे में। सो यहाँ पे इतनी अच्छी कैसी तेज़ी हम लोग को क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड वो है कि इनका एक बिजनेस है हम लोग को गुजरात बेस्ड देखने को मिल रहा है, उसको वो बेचने का प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी चीज़ के चलते थोड़ा बहुत हम लोग को कुछ दिनों से ये पॉजिटिविटी के साथ चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों मुकेश अंबानी, देन उसी के साथ साथ गौतम अदानी जी की अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ को लेकर उनमें ज़बरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इसमें एक और नए प्लेयर का नाम सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। सो कंपटीशन किस चीज़ के चलते है, बट येस अभी तक ऑफिशियल खबर नहीं, सोर्सेज के जरिए बताया जा रहा है कि डिज्नी अपना बिजनेस जो इंडिया में है उसको बेचना चाहते हैं, अलॉन्ग विद द हॉटस्टार की अगर हम लोग बात करें पूरे जो उनके राइट्स है। तो इसके लिए पहले तो देखा गया तो अंबानी का नाम सामने आ रहा था, देन अदानी का भी नाम सामने आ रहा है एंड अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि इनमें ब्लैकस्टोन भी इंटरेस्ट दिखा रहा है कि वो भी बातचीत करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो देख लेते हैं कि ये जो इनके असेट्स है वो अल्टीमेटली किसके पक्ष में यहाँ पे जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो सिप्ला को आपको पता ही है कि सक्सेसर प्लान फिलहाल तो सामने नहीं आ रहा है, तो शायद से अपने कंपनीज को बेच सकते हैं। एंड बार बार जो खबरें यहाँ पे सामने आ रही है रिपोर्ट के जरिए, वो कल के दिन भी हम लोग को एक और रिपोर्ट देखने को मिला था कि यही दिक्कत है दोस्तों कि फैमिली रिफ्ट, मतलब यहाँ पे देखा गया तो प्रमोटर के बीच में अनबन होते हुए देखने को मिल रहे वैल्यूएशन को लेकर। तो जब भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है ना दोस्तों, यूजुअली ये मामले ना बहुत ही लंबे चौड़े खींच जाते हैं। सो देखने वाली बात रहेगी कि सिप्ला अगर अपना बिजनेस यहाँ पे बेचेगी तो कौन से वैल्यूएशन के ऊपर बेचेगी एंड खरीदने के लिए आएगा। तो फिलहाल तो टोरेंट फार्मा का ही नाम फिलहाल तो सामने आया था, वो भी अनऑफिशियल है, बिकॉज जब तक खबरें सामने यहाँ पे आती नहीं है तब तक तो किसी भी चीज़ के ऊपर मोहर लगती नहीं है। देन अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करेंगे, लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। लार्ज कैप कंपनी है, 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही है, 5 साल में डबल के हिसाब से परफॉर्मेंस चलना चाहिए। बट येस, ये भी कंपनी कंपेरेटिवली स्लो ही चलती है। स्लो चलना मतलब क्या कि कई सालों तक, एक साल, 1.5-1.5 साल, 2-2 साल तक ये चलेंगे ही नहीं, फिर सडनली तेज़ी यहाँ पे आएंगे और पैसा डबल करके देते हैं। तो इस प्रकार का इनका परफॉर्मेंस यहाँ पे रहता है। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, बीच में ज़बरदस्त टेंशन में थे। टेंशन में क्यों थे, क्योंकि अगर देखा गया तो इनका कॉम्पिटिटर ACC एंड अंबुजा सीमेंट, तो ये दोनों अदानी ने खरीद लिए एंड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लगातार कैपेक्स का भी प्लान यहाँ पे कर रहे थे और अल्ट्राटेक सीमेंट से भी बड़ा बनने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। बट सडनली हिंडनबर्ग वाला मामला हुआ एंड उसके बाद थोड़ा सा ACC एंड अंबुजा सीमेंट का जो एक्सपांशन वाला प्लान था वो हम लोग को कूल ऑफ होते हुए देखने को मिला। एंड इसी के बीच में अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी अपनी कैपेसिटी डबल करने के लिए कैपेक्स का अनाउंस यहाँ पे किया था। सो देखा गया अल्ट्राटेक सीमेंट बड़ी कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप से बिलोंग करती है, तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल ही जाता है। देन नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे TVS मोटर, एकदम शानदार कंपनी, कमाल की कंपनी। 5 साल में देखा गया तो अभी 190-200% के रिटर्न्स नज़र आ रहे हैं। बट येस, एक ज़माने में ये भी कंपनियाँ, आपको पता है सरकार ने बहुत सारे डिसीजंस बदले थे, तो इनमें भी 50-50% हम लोग को गिरावटें देखने को यहाँ पे मिली थी। हालांकि गिरावट के पीछे का रीज़न कोई इंटरनल नहीं था, एक्सटर्नल नहीं था, इंटायर ऑटो सेक्टर 2018 से लेकर 20 तक नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। उसके बाद रॉकेट की तरह तेज़ी हम लोग को देखने को मिली। इसलिए कहता हूँ कि जब भी कोई सेक्टर ही नीचे आ जाता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इशू, वो सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। उसमें जो निवेश करके लंबी अवधि में छोड़ देता है पैसा, वो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार के रिटर्न्स यहाँ पे छाप लेता है। तो TVS मोटर भी कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रहा है एंड डैम कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने वापस इनके टारगेट को यहाँ पे क्या कर दिया है, रिवाइज यहाँ पे कर दिए है 62%।
और जंप यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकती है, ये डैम कैपिटल का मानना है। तो इसी चीज़ के चलते, इसी रिपोर्ट के चलते टीवीएस में हम लोग को और तेज़ी देखने को मिली। एफएसडीएस की बात करें तो एफएस अपना बिकवाली का काम जारी रख रहे हैं, बट डीएस की अगर हम लोग बात करें, 1000 करोड़ का माल आज भी उन्होंने यहाँ पे खरीदा है। सो लगातार डीएस यहाँ पे बाइंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, एंड इस चीज़ के चलते बाजार संभला हुआ है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। 2020 के वक्त हम लोगों ने देखा था एफएस ने थोड़ा बहुत ही माल यहाँ पे बेचा था, एंड ऑब्वियसली वहाँ पे पैनिक भी था, बट इस चीज़ के चलते बाजार बहुत नीचे आया था। अभी की अगर हम लोग बात करें तो डीएस के पास बहुत ज़्यादा फंड्स हम लोग को अवेलेबल होते हुए देखने को मिले, एटलीस्ट अर्लियर जो भी इनके हाथ में फंड्स रहते थे उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग को फंड्स फिलहाल तो इनके पास अवेलेबल रहते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जितना गिरे वहाँ पे वो बाइंग करते हुए देखने को मिल जाते हैं। डॉलर की बात करें, लगातार अप्रिशिएट यहाँ पे चल ही रहा है, 83 का बेस लेवल तो इन्होंने पकड़ ही लिया है। क्रूड की बात करें तो धीमे धीमे करके नीचे आ रहा है, बट स्टिल अभी भी 80 प्लस क्रूड देखने को मिल रहा है, 85 प्लस क्रूड अभी भी देखने को मिल रहा है। बीच में देखा गया तो ये नीचे आया था, देन सडनली इसराइल वाली खबर सामने आ गई तो एक ही दिन में 4-4% क्रूड भागते हुए देखने को मिला। तो अनसर्टेनिटी ये बाजार का हमेशा खासियत यहाँ पे रहा है, तो ये बहुत बार हम लोग देख चुके हैं। तो क्रूड का ज़्यादा भड़कना ये हमारे बाजार के लिए अच्छा नहीं रहता है, ना ही हमारी इकोनॉमी के लिए। तो फिलहाल जो खबरें यहाँ पे आई थी अगर वो वैसे ही चलती रही तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों यहाँ पे बिरकेन स्टॉक के बारे में, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो यहाँ पे बनाया था जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये शू मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, लगभग 250 साल पुरानी ये कंपनी देखने को मिल जाती है, ठीक है, जर्मनी की ये कंपनी, एंड ये अमेरिकन बाजार में लिस्ट होने यहाँ पे जा रही है। सो इनका अमेरिकन बाजार में डेब्यू यहाँ पे हो चुका है, एंड डेब्यू में ही 10% का थप्पड़ इनको यहाँ पे पड़ चुका है। सो आप यहाँ पे फिलहाल देख सकते हो $41 के आसपास फिलहाल तो परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टीसीएस, ऑब्वियसली टीसीएस कल के दिन नंबर्स के साथ साथ ऑब्वियसली बायबैक का भी अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिविडेंड भी हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ें भी है, फ्यूचर फोरकास्टिंग भी है। तो इसके चलते टीसीएस के नंबर बाजार को कैसे लगे ये देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इन्फोसिस के ऊपर भी फोकस रहेगा कल के दिन क्वार्टर टू के रिजल्ट के प्रति, यूजुअली इनके भी नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही यहाँ पे आ जाएंगे। एचसीएल टेक के ऊपर फोकस रहना चाहिए, इनके भी नंबर कल क्वार्टर टू के हम लोग को देखने को मिलेंगे, प्रोबेबली बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही देखने को मिलेंगे। एंजल वन का भी परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें एचडीएफसी एएमसी के भी नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एंटायर आईटी स्टॉक्स भी आप लोगों ने क्या करना है, रडार के ऊपर यहाँ पे रखना है, आईटी सेक्टर आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। देन गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो नई खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, कौन सी, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने यहाँ पे टाइप कर लिया किसके साथ, आईएचसीएल के साथ, आईएचसीएल बोले तो यस, इसका स्टॉक भी लिस्टेड है बाजार में, इंडियन होटल के साथ। सो टाइप हुआ है होटल वाली कंपनी के साथ, तो उन्होंने अपना पहला होटल ओपन किया, किसने, गोदरेज प्रॉपर्टी ने, कहाँ पे, इन मुंबई में। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी इस सेगमेंट में हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली इन चीज़ के चलते दो बड़े दिग्गज कंपनीज़ में ग्रुप में ये पार्टनरशिप फिलहाल तो हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है, तो इसका फ़ायदा दोनों कंपनीज़ को होते हुए देखने को मिल सकता है। देन हम लोग बात करेंगे टाटा पावर, तो टाटा पावर से रिलेटेड अलग अलग खबरें यहाँ पे आती रहती है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं ब्रेडस्टोन के साथ इनके यहाँ पे हम लोग को पार्टनरशिप होते हुए देखने को मिल रही है। टायर कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो टाइप किस चीज़ के लिए हो रहा है, तो वही इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल यहाँ पे करने हैं, तो उसी से रिलेटेड टाटा पावर के साथ बातचीत होते हुए देखने को मिल चुकी है, एंड पार्टनरशिप भी यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं दोस्तों जिनको यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो टाटा पावर इसमें हम लोग को बहुत अच्छा खासा ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और भी अलग अलग ऑप्शन है, एबीबी इंडिया भी इसमें बहुत अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रही है, आप चाहो तो उस कंपनी को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बट इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि इस सेगमेंट में बहुत बड़ा स्कोप नज़र आ रहा है। सो जैसे हम लोगों ने बात की एचडीएफसी एएमसी के भी कल के दिन नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो देखा गया एचडीएफसी एएमसी ये एक ऐसा स्टॉक है, एएमसी इंडस्ट्री भी देखा गया तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस ही हम लोग यहाँ पे इसको देख रहे थे, बट अभी तक मतलब इंडस्ट्री तो भाग गई बट स्टॉक में अभी तक कोई रिजल्ट उस हिसाब से देखने को नहीं मिला है। तो देख लेंगे कल के दिन के नंबर कोई एक्सेप्शनली सामने आते हैं भी या नहीं, उस हिसाब से कोई बदलाव होता है भी या नहीं। देन जाते आते एक बार अमेरिकन बाजार को रिफ्रेश करके देख लेता हूं, तो चलिए निचले स्तर से आप देख सकते हो बहुत अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, एंड रिकवरी के साथ साथ हम कह सकते एकदम अभी बॉर्डर पर अमेरिकन बाजार वापस आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो शायद से हम लोग कह सके कि क्लोजिंग यहाँ पे हरे निशान में भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए करके। देन आखिरी दो स्टॉक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो केसॉल्स की बात कर सकते हैं, सुजलन एनर्जी की बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है सर ये एसएम लिस्ट के स्टेज फोर पे देखने को मिल रहा है तो सर्किट कैसे, तो दोस्तों स्टेज फोर में यहाँ पे जाना इसका अर्थ है नहीं कि सर्किट यहाँ पे लग नहीं सकता करके, ठीक है।
स्टेज फोर में मतलब अलग अलग चीज़ें क्या होती है कि ट्रेडिंग यूजुअली हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिल जाती है। अब डिलीवरी के हिसाब से पूरा माल यहाँ पे खरीद सकते हो, वो चीज़ें तो यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे रहती है। तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे हम लोग को सर्किट भी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो जिन स्टॉक्स में लगातार हम लोग को लोअर सर्किट देखने को मिल जाते हैं तो लगातार वहाँ पे आपको अपर सर्किट भी देखने को मिलेंगे, एंड सेम वाइस वर्सा, तो अपर सर्किट भी है तो लोअर सर्किट भी है, तो ये चीज़ें बार बार यहाँ पे चलती रहती हैं। सो ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट वाला वीडियो था, पसंद आया होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 प्रोडक्ट की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर अकाउंट मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।